हैप्पी नवरात्रि फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोमल की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे व्रत की थाली, जिसमें हम बनाएंगे सामक के चावल की खीर, आलू टमाटर की सब्जी, कुट्टू के आटे की पूरियां। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समा की खीर बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 किलो दूध का यूज कर रही हूँ। हमारे दूध में उबाल आ गया, अब मैं इसके अंदर ये भिगोए हुए समा के चावल डाल दूंगी। इन चावलों को मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, अब हम इसको चलाते रहेंगे। हमारी जो खीर है, इसमें चावल जो है वो गल चुके हैं, अब हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। मैं यहाँ पे आधी कटोरी चीनी का यूज कर रही हूँ। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और हम इसके अंदर डालेंगे बादाम जो मैंने दरदरे से कूट लिए हैं, किशमिश और नारियल का बुरादा। आप और भी मेवे का यूज कर सकते हैं और आप इनमें से कुछ को स्किप भी कर सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उनको डाल दीजिए। अब हम इसे 10 मिनट के लिए और कढ़ाएंगे, क्योंकि जो खीर होती है उसको जितना पकाएंगे उसका टेस्ट उतना ही ज्यादा आएगा। हमारी खीर बनके एकदम रेडी हो गई है। अब हम इसकी गैस ऑफ कर देते हैं और ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। कुट्टू के आटे की पूरी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक बॉईल किया हुआ आलू ले रही हूँ, जिसको कि मैं कद्दूकस कर लूंगी। मैंने आलू ग्रेट कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुट्टू का आटा डाल लेंगे, जितनी हमें पूरी बनानी है उसके हिसाब से। नमक के लिए हम इसके अंदर सेंधे नमक का यूज कर रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसका आटा लगा लेंगे। पहले हम इस आटे को आलू के साथ गूंद लेंगे। अगर पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमारा डो लग के तैयार हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने जो तेल है वो कढ़ाई में डाल दिया है, जो गरम हो गया। अब मैं इसके अंदर जीरा डाल दूंगी। जीरे के साथ मैं इसके अंदर कड़ी पत्ता और जो हरी मिर्च जो मैंने कूट ली है, काटी नहीं है, मैंने इनको कूट लिया है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज के टमाटर का यूज कर रही हूँ। टमाटर के साथ ही हम इसके अंदर सेंधा नमक डाल देंगे। सेंधा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज्यादा, ताकि जो हमारे टमाटर है वो जल्दी से गल जाए। हमारे टमाटर गल गए हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूंगी और काली मिर्च के साथ ही मैं इसके अंदर आलू डाल दूंगी। ये उबले हुए आलू हैं, 5 आलू हैं जिनको मैंने उबाल लिया है, पीसेस में काट लिया है। अब हम इसको अच्छे से टमाटर के साथ मिक्स कर देंगे। 2 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकने देंगे मसाले के साथ, उसके बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे। हमारी सब्जी को 1 से 2 मिनट हो गई है। अब थोड़ा सा हम इसको मैश कर देंगे, ताकि जब हम इसमें पानी डालेंगे तो हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। अब हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि आपको कितनी तरी वाली सब्जी चाहिए। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी का यूज किया है। अब इसमें एक उबाल आ जाए। हमारी आलू टमाटर की सब्जी बनकर एकदम रेडी हो गई है। अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो आप इसके अंदर वो भी डाल। हमारे आटे को 10 मिनट हो गई है रेस्ट करते हुए। अब हम इसकी पूरियां बनाएंगे छोटी छोटी। हम हाथ में छोटा सा पेड़ा ले लेंगे पूरी बनाने के लिए, और हमारे काउंटर टॉप पे हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हाथों से प्रेस करते हुए हम छोटी छोटी पूरियां बना लेंगे। हमारी पूरी बन गई है। हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी पूरियां डाल लेंगे। इसको हल्का हल्का दबाते हुए इसे हम सेक लेंगे दोनों साइड से।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।